लो भाव दशा में उसकी क्या अवस्था होती है वो तो कौन कहेगा, कौन कह सकता है। तो ये जो परिस्थिति है, जितना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता जाता है भगवत कृपा से, उसके भीतर में हृदय में जो भक्ति मुकुल प्रस्फुटित तो होता जाता है, उतना ही उसके अंदर संसार के प्रति उतना ही अनाशक्ति, देहोदयिक वस्तु पदार्थ के प्रति उतना अनाशक्ति, और भगवत चरण में तन्मयता तल्लीनता दिखने में आता है। धीरे 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 एक स्थिति में जा करके उसका मन किसी भी अवस्था में भगवत चरण से पलक के लिए भी हटाना संभव नहीं है, हटता नहीं है, देहोदयिक वस्तु पदार्थ के प्रति पूर्ण रूप से अनाशक्ति आ जाती है। तो पहले अनिष्ठिता भजन में शरीर प्रीति 12-16 आना रहता है, भगवत प्रीति 4 आना, भगवान में 4 आना मन रहता है। फिर अनिश्चिता भजन से निश्चिता भजन में जब पहुंचता है, इसका वर्णन कर चुके हैं इसीलिए विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, थोड़ा दिग्दर्शन दे रहे हैं, जो नहीं सुने हैं तो यूट्यूब में सुन लेंगे। निश्चिता भजन में कृष्ण प्रीति आटाना लग जाता है, शरीर में प्रीति 12 आना रहता है, 4 आना कम हो जाता है। फिर रुचि में कृष्ण प्रीति 12 आना हो जाता है, 12 आना मन भगवान में लग जाता है, 4 आना थोड़ा सा संसार के प्रति हल्का पतला अभिनिवेश रहता है पूर्व संस्कार वश, अच्छा लगता नहीं है, इच्छा नहीं होती है, कभी कभी आभाषित होता है पूर्व संस्कार वश, थोड़ा सा देहोदयिक वस्तु पदार्थों के प्रति थोड़ा सा हल्का पतला चिंतन होता है, लेकिन वो डांटता नहीं। 12 आना मन भगवत चरण में संलग्न रहता है। फिर आसक्ति दशा में कृष्ण प्रीति 16 आना, पूरा मन लग जाता है, वहां से मन हटता ही नहीं, चेष्टा करने से भी मन हटता नहीं। संसार दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति पूर्ण अनाशक्ति आ जाती है। देहोदयिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति ना रहने का कारण देह संबंधी वस्तु या भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति भी अनाशक्ति आ जाती है। कृष्ण प्रीति पूर्ण, देव प्रीति 4 आना रहता है, थोड़ा सा रहता है, कभी कभी आभाषित होता है। मन उस समय चेष्टा करके भी भगवत चरण से मन हटाना संभव नहीं होता है, लाख कोशिश करो मन वहीं पर संलग्न हो जाता है। ये शुद्ध भक्ति दशा का प्रथम सोपान है, पहले स्थिति है। यह भी निश्चिंतता नहीं, ये नहीं कि अब निश्चिंत हो गया भगवत चरण में मन लग गया, बोलता है यहां से भी पतन होता है। अगर वैष्णव अपराध हो जाता है, बड़ा प्रकार के कोई अपराध हो जाता है, यहां से भी पतन हो जाता है। उसके बाद है भाव दशा, भाव शुद्ध भाव दशा। शुद्ध भाव दशा में कृष्ण प्रति अत्यंत की, अत्यंत के माने किसी भी स्थिति में मन पलक के लिए भी हटता नहीं है भगवत चरण से, एकदम सुदृढ़ संलग्न हो जाता है भगवत चरण में मन, स्वाभाविक ही तल्लीनता तन्मयता। मद्गुण सुति मात्रेण मही सर्व गुहाशय मनोरगति रविच्छिन्न तथा गंगा स्वाम्बुधौ लक्षणं भुक्ति जोगस्य निर्गुण सुधारितम् अहित की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। ये निर्गुणा भक्ति का लक्षण प्रकाशित होता है भाव भक्ति दशा में। इस दशा में जाकर के साधक का नित्य क्रियाकर्म छूट जाता है, क्यों शरीर में मन ना रहने का कारण भगवत चरण में मन इंद्रिय चलमान होता है, हमारे मन के द्वारा तो मन होता है, वो अभी तो ये काम करना है, हमको तो बाजार जाना है, बस मन आ गया इंद्रियों में, बस चलना शुरू करते हैं, फिर जाके जो करना है सब मन के द्वारा, मन है राजा, इंद्रिय है कर्मचारी। मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाके इंद्रिय सक्रिय होता है। हम आँख के द्वारा देखते नहीं, कान के द्वारा सुनते नहीं, नाक के द्वारा घ्राण नहीं लेते हैं, जीभ के द्वारा आस्वादन नहीं करते हैं,
ये मन जब संयुक्त होता है तभी जाकर सक्रिय होता है, नहीं तो निष्क्रिय हो। मन जब सो जाता है निद्रावस्था में तो इंद्रिय भी सो जाता है, निष्क्रिय इंद्रिय, इंद्रिय कुछ करने में समर्थ हो, दिखता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, क्यों? मन बुद्धि अहंकार उस समय साम्यावस्था में रहता है, सो जाता है, तो इंद्रिय भी निष्क्रिय हो जाता है। तो इंद्रिय निष्क्रिय होने का कारण हमारे देहोदयी जो हमारे विधि पूर्वक जो भी हम भजन अनुष्ठान करते हैं वो कौन करेगा? हमारा मन तो है अतिंद्रिय जगत में, इंद्रिय निष्क्रिय, तो उस समय उसका क्रियाकर्म छूट जाता है, उसका क्रियाकर्म छूट जाता है। उस समय कोई क्यों कहते हैं ये पागल है, एक दिमाग खराब हो गया, किसी ने कुछ खिला दिया, कोई कहते हैं नहीं इसका कोई बीमार हो गया, कोई दिमागी कमजोरी आ गया, कुछ हो गया, कोई कहते हैं नहीं कोई अपराध के कारण ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार जो ऐसे भजन भजन छोड़ करके अब रास्ते रास्ते में डोलता है पागल जैसे, जान नहीं पाता है उस किस स्थिति में है। तो कोई जो पहुंचे हुए संत वो जान पाते हैं, जो इसको कोई अनमोल निधि प्राप्त हो गया है वो देख करके चमकित तो हो जाते हैं, इसको निधि मिल गया है, एक अनमोल निधि जो ये मनुष्य तनु रहते रहते प्राप्त करना सुदुर्लभा, सुदुर्लभ उस स्थिति प्राप्त करना वो समझ जाते हैं। लेकिन बाहरी सांसारिक लोग व्यवहारिक लोग उसको समझना असंभव बात है। ये भी निरापद भूमि नहीं, यहां से भी पतन हो सकता है। भरत महाराज इस स्थिति से नीचे गिर गए थे। भरत महाराज जब गए ना हिमालय में, जब भजन करने के लिए चले गए, एक हरिण शावक नदी में बहते जा रहा था, तो उसको उठा के ले आए, ले करके उसको पालन पोषण किए, उसके प्रति अपनापन हो गया, उसका स्नेह ममता धीरे 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 भजन छुड़ा करके उसी में लिप्त हो गया, मन उस हरिण शावक के प्रति इतनी दृढ़ संलग्न हो गया जो भगवत चरण से मन हट गया। इस आलोचना करेंगे एक दिन। देखो धीरे धीरे भजन से कहाँ पहुंच गया, फिर मरते समय हरिण शावक की चिंता करते करते शरीर छोड़ने का कारण हरिण जन्म मिला पुरु। जंग जंग वापी शरण भवं त्यजत कलेवरम तंग तमेव कुंती और सदा तद्भव भावित। अंतिम समय में जैसे जैसे भाव लेकर के चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, उस भाव में तल्लीन रहने के कारण ऐसे ही उसको जन्म मिलता है उसको अंतिम समय में। तो आप सोचेंगे तो भाई हम अंतिम समय भगवत चिंतन करते करते मरेंगे, बोलता है ऐसा होना संभव नहीं। अगर तुम ऐसा चाहते हो जो अंतिम समय भगवत चिंतन करते करते हमारा शरीर छूटना चाहिए, तो गीता कहते हैं तस्मात सर्विषु कालेषु मम मनुष्यर युद्धच मय्यर्पित मनुर्बुद्धि मामे विश्वास अनुसार। अभी से प्रैक्टिस करो, सर्वेषु कालेषु एक एक पल एक एक क्षण व्यर्था नहीं जाना चाहिए, भगवत चिंतन करते रहो, काम करते रहो और नाम करते रहो, नाम को छोड़ना नहीं, मन लगे या ना लगे सच सच भगवत चिंतन करते रहो। जाना है, जाना है, ये जान करके संसार के प्रति उतना आदर बुद्धि मत रखो, मन से तन से नहीं, तन से कर्म करो, मन से जानो धोखा संसारी, शरीर तक धोखाबाज है, शरीर था नहीं रहेगा नहीं, विस्मय दृश्यमान आगंतुक है, हम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध था है रहेगा, संसार से संबंध था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं हो नहीं सकता, ये आगंतुक ये स्वप्नवत ये मिथ्या है। शरीर में आत्मबुद्धि होने का कारण शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त चित्त वृत्ति लेकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं, यह है प्रक्रिया, यह है माया। मम इवांश जीव लोक जीवभूत सनातन मन षष्ठानिन्द्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति का आकर्षण करके प्रकृति के गुण समूह को भोग रहा है। तो अगर अंतिम समय मेरी चिंतन करते करते तुम शरीर छोड़ना चाहते हो, तस्मात सर्वेषु कालेषु, अभी से प्रैक्टिस करो, बैठे नहीं रहना,
जे ना आगे अभी तो ये काम है ये काम है ये काम करके फिर जाके आगे झमेला मिट जाएगा कि बेटी की शादी करा देंगे, बेटा का ये करा देंगे वो करा देंगे, फिर जब वृंदावन में आके एकांत में एकदम निश्चिंत हो करके भगवत चरण में मन को संलग्न करके, ऐसा थोड़ी होता है। माया थोड़ी छोड़ेंगे, ये जितना दिन बीत जाएगा उतना ही माया बंधन और दृढ़ता के साथ उसको आबद्ध करने के लिए माया पीछे पड़े हैं। माया थोड़ी छोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी जाने देंगे, ये मत सोचो। कल के दिन के इंतजार मत करो, अभी एक एक पल एक एक क्षण को ये काम में लगाओ, भगवत चिंतन में लगाओ। कर से कर्म कर विधि नाना, चित रखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो लेकिन मन रखो प्रभु के चरण में, जो जाना है। तो तस्मात सर्वेश कालिशु ममनेश्वरो, हर समय के लिए मेरी चिंतन करते रहो। मय्यार्पित मनोर्बुद्धिर मम विश्वासंश, तुम्हारे मन बुद्धि अगर हमें अर्पित हो गया है तो मैं अर्पित मनोबुद्धि, तो हमको पाने में कोई संशय नहीं है। अगर मन बुद्धि अर्पित नहीं हुआ है, मन में हमारा संसार बुद्धि हमारा संसार में लिप्त, लेकिन भगवत भजन करते बोलता होगा नहीं, मन बुद्धि अर्पित होना चाहिए। मन में भगवत चिंतन, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता अखंड भगवत स्मृति जागृति रहेगी, तो फिर हमको पाने में कोई शंका नहीं, तो मरते समय तुम्हारा चिंतन में हम आ जाएंगे। इसीलिए तो भरत राजा भी देखो मरते समय हरिण सबक के चिंतन करते करते शरीर छोड़ने का कारण हरिण जो हरिण होके जन्म लेना पड़ा। तो ये भी निरापद भूमि नहीं, इसके ऊपर है प्रेम। आसक्ति दशा में रुचि दशा में एक प्रेम कल्प लता उसमें फूल आता है, संकेत है आप फल फलेगा। ऐसे ही प्रेम कल्प लता में जब रुचि भगवत कथा में भगवत नाम में हरि नाम में रुचि अखंड रुचि खूब आनंद वर्धन होता है, हर समय चित्त वृत्ति प्रफुल्लित तो रहता है भगवत नाम कीर्तन में, एक स्वाभाविक की रुचि, ये लक्षण जब होता है तब समझना जो अब भक्ति कल्प लता में फूल खिला है। फिर आसक्ति दशा में थोड़ा सा फल आया है, फूल गिर करके फिर थोड़ा फल आया है। भाव दशा में फल हो गया, रंग आ गया, लेकिन अभी थोड़ा कच्चा है। उसके बाद प्रेम, प्रेम दशा में पूरा पक करके पेड़ से टुक करके गिर जाता है, अलग हो जाता है। तो प्रेम दशा में ये संसार से, संसार माने वासना कामना देह में आत्मबुद्धि जड़ चेतन का ग्रंथि, ये जब खुल जाता है तो संसार से वो मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। राधारानी कृपा प्रदत्त जो सहचरी स्वरूप है उस स्वरूप प्राप्त करके वो निरापद भूमि निश्चिंतता प्राप्त करके वो भजन में बस सिद्धि लाभ करके वो भगवत प्रेम प्राप्त करके आनंदमय धाम पहुंच जाते हैं। यह प्रेम रुचि दशा में पूर्व दिशा थोड़ा लाल सा आभासित होता है, आप सूर्योदय का संभावना दिखता है, अंधकार है। आसक्ति दशा में थोड़ा सा सफेद सफेद हो गया है, आप तो ज्यादा देरी है नहीं। भाव दशा में साफ हो गया, सूरज उदय हुआ नहीं लेकिन सब दिखता है, लोग जब लोग जन आ रहे हैं जा रहे हैं सब पशु पक्षी सब चल रहा। भाव दशा में सूरज उदय हुआ नहीं है लेकिन सब दिखता है, ऐसा ही स्थिति में भगवत लीला में वो तन्मय हो जाता है। हर समय लीला स्फूर्ति, आंख मुदते ही भगवत स्मृति, भगवत अद्भुत अद्भुत भगवत कृपा से लीला प्रदर्शन करते हैं, हृदय वृत्ति में उनके ऐसे ऐसे लीला सब प्रकटित हो जाते हैं। प्रेम दशा में सूर्य उदित हो गया, आप निरापद भूमि, सूर्य प्रेम रूप सूर्य उदित हो गया, दिन आ गया, रात्रि माने अंधकार संसार रूप रजनी समाप्त। ये संसार अनाधिकार संसार चक्र में घूमना जो है ये रात्रि स्वरूप निशा स्वरूप, ये निशा की परिसमाप्ति प्रेम रूप सूर्य उदित हो गया।
ये प्रेम ये है साधन के द्वारा साधक यहाँ तक पहुंच सकता है यहाँ, लेकिन ये बहुत करोड़ों में एक सुदुर्लभ। इसका दो लक्षण है, सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी। साधन भक्ति तो साधक की दो लक्षण है, क्लेश अग्नि शुभदा, भावदशा का दो लक्षण है मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। मोक्ष लघुता कृत माने ब्रह्मानंद को भी फीका कर देते हैं उसका एक झलक मिलने से, सुदुर्लभा ये प्राप्ति करना भी संभव नहीं है शरीर के द्वारा, सुदुर्लभ कदाचित करोड़ों में एक कोई ये भाव प्राप्त करने में समर्थ होते हैं भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, महत कृपा से प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। और प्रेम में सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्ण आकर्षण, सांद्रानंद मने एक अद्भुत दिव्य आनंद की झलक जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर सम्मिलित तो होकर साधक को दिया जाए और वो प्रेम की एक छटा उसके साथ उसका तुलना होना संभव नहीं है। सांद्रानंद विशेषात्मा एक विशिष्ट एक अवस्था, सांद्रानंद विशेषात्मा इसका शब्द के द्वारा इसका वर्णन होना संभव नहीं है। कोई अगर शब्द के द्वारा उस प्रेम का वर्णन करना चाहे तो बालक के पास भी एक उपहास पद हो जाता है, ये जो शब्द के द्वारा वो प्रेम का, ये लौकिक प्रेम थोड़ी है, ये लौकिक देवदेव वस्तु संबंधी प्रेम थोड़ी है, ये आत्म संबंधी, ये राधारानी की कृपा से वो प्रेम प्राप्त करते हैं, ये साधन लभ्य नहीं कृपा साध्य, साधन के द्वारा साधक ही प्रेम प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। जब साधक गुरुनिष्ठ साधक जो भगवत चरण में समर्पित हो करके भगवान के लिए ही समस्त कुछ समर्पित हो करके जो भगवान के लिए ही उपासना करते हैं तो भगवत कृपा से वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, ये कृपा साध्य है, साधन साध्य है नहीं। ये स्थिति प्राप्त करने से साधक कृष्ण प्रति परमात्यंत की, परमात्यंत के माने इसका भी कोई वर्णन नहीं होता है वो कैसे परमात्यंत की, और देह प्रीति जीरो माने ये शरीर है कि नहीं वो जानता नहीं है, शरीर में है लेकिन शरीर को जानता नहीं है, शरीर से अलग हो जाता है, शरीर से वो पूर्ण अलग हो जाता है, शरीर प्रीति नील। कृष्णाकर्षणी, कृष्णाकर्षणी माने भगवान पलक के लिए उनको छोड़ के भगवान को जाना मुश्किल है, भगवान ऐसे फंस जाते हैं, अहं भक्त पराधीन हो जैसे स्वतंत्री ये बुद्धि जो हम भक्त के अधीन है हमारा कोई स्वतंत्रता है नहीं, ऐसे भगवान उस भक्त के प्रेम में फंस जाते हैं और चुम 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 करके हर्षमय भगवान को फंसा लेते हैं, भगवान जा नहीं, चेष्टा करके भी भगवान उस भक्त को छोड़ के जा नहीं सकते। कृष्णाकर्षण उस प्रेम की इतनी शक्ति है जो भगवान को आकर्षित करके भी वो बैठा के रखने में समर्थ है, भगवान जा नहीं सकते हैं। जैसे बछड़ा अपने छोटे से मासूम बच्चा जन्म दे करके जैसे बछड़ा को छोड़ करके कहीं जाना संभव नहीं है, बछड़ा को कहीं गाय को तुम लेना चाहते हो कहीं ले जाना चाहते हो तो उसको खींच करके बछड़ा छोड़ करके उसको ले जाना संभव नहीं है, तो कैसे ले जाया जाए ना, बछड़ा को ले जाओ ऑटोमेटिक पीछे 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 गाय चलती रहेगी। ऐसा ही उस भक्तों का थोड़ा सा संग मिल जाए, कृपा मिल जाए तो मान लो भगवान पीछे पीछे चलते रहेंगे, भगवान पलक के लिए छोड़ के जा नहीं सकते। कृष्णाकर्षणी इस स्थिति में साधक का क्या क्या लक्षण होता है, कैसे भगवत कैसे कृपा करते हैं, वो कृपा कैसी है, कैसे दर्शन देते हैं, इस विषय में काल आलोचना करेंगे आज भी चलो काल आलोचना करेंगे इस विषय में।